Hello everyone, my name is Saurabh Balyani and I am a corporate trainer for Reinforce Quantity Surveyors Private Limited. तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक ब्रीफ करने वाला हूँ जिसके बारे में आपको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं. इंडस्ट्री में इस टॉपिक के बारे में किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है. बहुत सारे मिथ है लोगों को कि क्या क्या फैक्ट्स उसमें होते हैं, कैसे उसको यूज़ करा है, क्या होता क्या है ये चीज़. अब वो जो टॉपिक है उसका नाम है BIM, बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन एंड मॉडलिंग. आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि आज के टाइम पे एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री BIM के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं. तो वो BIM है क्या, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा उसकी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे, तो आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा. और उस BIM के कंसेप्ट की फुलफिलमेंट कैसे हो सकती है वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले BIM होता क्या है, BIM. BIM is basically building information and modeling software. BIM में क्या होता है, जब भी आप किसी भी एक प्रोजेक्ट को वर्क करने के लिए सोचते हैं, सपोज आपने सोचा कि हाँ हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, तो पहले ही हम उस प्रोजेक्ट को एक विजुअलाइज फॉर्म में देख सकते हैं. विजुअलाइज फॉर्म इन द सेंस, जो भी प्रोजेक्ट हम जिस प्रोजेक्ट पे भी हम काम करने वाले हैं, उस पूरे प्रोजेक्ट को एक रियलिस्टिक व्यू हम देख सकते हैं उसका, कि बनने के बाद वो कैसा दिखेगा, उसके अंदर के कंपोनेंट्स कैसे होंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी. तो वो सारी चीज़ें हम एक BIM के कंसेप्ट में लेते हैं. अब उसके बाद जो आता है BIM में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होती है. सबसे पहले हम BIM के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज़ जो है, BIM जो है, BIM में आपका जो वर्क होता है वो एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर वर्क होता है. लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स आपने सुना होगा, LOD के नाम से भी जाने जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म है LOD, और LOD की फुल फॉर्म है लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट. अब लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट जो है उनके बहुत चार या पांच टाइप्स होते हैं, जिनके बारे में आपको ब्रीफली बहुत अच्छे से आगे जाके समझना पड़ेगा. बिना उन लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स के आप काम ढंग से नहीं कर पाएंगे. तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट होते कौन कौन से, लेवल LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 350, LOD 400 एंड LOD 500. अब ये जितने भी आपके पास लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट है, हर लेवल ऑफ डेवलपमेंट में आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हमें बस इतना काम करना है, ठीक है. जैसे अगर हम LOD 100 जो बेसिक लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसकी बात करें, तो उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास होता है कि हमारे पास कुछ ड्राॅइंग्स होती है, उस ड्राॅइंग्स के अकॉर्डिंगली हमें कुछ काम करना है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता. और अगर हम बिल्कुल एक लास्ट LOD के बात करें, दैट इज़ लेवल ऑफ डेवलपमेंट 500, तो उसमें आपके पास प्रॉपर ड्राइंग्स होगी, 2D जिसमें इंक्लूड होता है, आपका 3D इंक्लूड होता है, उसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड होती है, प्रॉपर फैब्रिकेशन इंक्लूड होता है, आपके शेड्यूल्स बनते हैं, क्वांटिटी टेक ऑफ होता है. मतलब एक बिल्डिंग की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जितनी भी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं LOD 500, जो सबसे एडवांस लेवल ऑफ डेवलपमेंट है और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है. तो अब मैंने आपको बताया कि BIM क्या होता है. BIM के बारे में मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ें समझाई कि BIM को कैसे वर्क करते हैं, लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है. लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स को जानने के लिए आप बहुत ब्रीफ में होती है ये सारी चीज़ें, तो हमें वो प्रॉपर सीखनी पड़ती है कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है. तो वो सब हम आपको इस कोर्स में ज़रूर बताएंगे कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स पे वर्क कैसे करते हैं. अब आते हैं BIM क्या चीज़ है. क्या सब बोल रहे हैं कि BIM बहुत इंपॉर्टेंट है, BIM बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद बोल रहा हूँ BIM बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो है क्या. BIM कुछ भी नहीं है, BIM इज़ बेसिकली द कंसेप्ट. मार्केट में अलग अलग मिथ है कि BIM एक सॉफ्टवेयर है या BIM कोई एक टेक्निक है. BIM एक कंसेप्ट है जिसको हमें समझना है, और BIM में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने BIM के कंसेप्ट को, BIM के गोल्स को अचीव कर सकते हैं. तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट आज के टाइम पे जो BIM का सॉफ्टवेयर है जो BIM के लिए यूज़ हो रहा है, दैट इज़ ऑटोडेस्क रेविट. सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, हर जगह यूज़ हो रहा है. हमारी जो AEC इंडस्ट्री है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसमें BIM की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, जो कि फुलफिल कर रहा है रेविट. अब अगर मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली रेविट क्यों हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है हम सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में. बेसिकली रेविट में होता क्या है, फ्रॉम स्टार्टिंग, बिल्कुल प्रोजेक्ट के एक स्टार्ट से प्रोजेक्ट के बिल्कुल एक एंड तक, हर एक चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं, हर एक चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, हर एक चीज़ को हम एनालाइज कर सकते हैं.
इससे क्या होता है कि जो हमारे जो गोल्स है ना, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हमें कंप्लीशन पे चाहिए, वो बहुत इफेक्टिवली हमारा प्रोजेक्ट बन सकता है। इफेक्टिवनेस हम कैसे कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। आपके सारे फैक्टर्स जो है वो आपके फेवरेबल होते हैं अगर आप इस प्रॉपर रेविट को अच्छे से अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं इन रेविट। तो रेविट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और आज के टाइम पे बिम का कंसेप्ट जो है वो रेविट बहुत अच्छे से आपका सॉल्व भी कर रहा है। अब रेविट के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। रेविट इज़ बेसिकली एन ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर, ऑटोडेस्क ने बनाया है उस सॉफ्टवेयर को। उसके बाद जो रेविट में है, ऑटोडेस्क क्या करता है, हर साल अपने एक नए वर्जन को लॉन्च करता जाता है। तो वैसे ही रेविट जो है उसके भी अलग अलग वर्जन लॉन्च होते हैं। तो राइट नाउ द लेटेस्ट वर्जन इज़ रेविट 2021। बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स होते हैं इन वर्जन्स में, काफ़ी सारी चीज़ें आपको उनमें दिखती है जो कि एक एडवांस फॉर्म में आपके सामने आती है। उसके बाद रेविट जो है, रेविट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। मैंने पहले भी वीडियोस में आपको समझा रखा है कि रेविट जो है वो एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है, रेविट को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके हम सिखाते हैं। कौन कौन से पार्ट्स है रेविट के? तीन पार्ट्स है, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर एंड रेविट MEP। तो रेविट आर्किटेक्चर के बारे में अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं, तो रेविट आर्किटेक्चर क्या होता है, कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, उसके बारे में आपको एक छोटा सा अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए आपको एक हाउस प्लान बनाना है, आपको एक घर का एग्जीक्यूशन करवाना है किसी साइट पे। सिंपल सा है, छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहा मैं एग्जांपल, हालांकि रेविट में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही काम आती है, बहुत ईजिली होता है उनका काम। अगर हम एक छोटे से घर की बात करें तो सबसे पहले हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास उसका आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान होना चाहिए। फ्लोर प्लान के अकॉर्डिंगली ही हम उसका साइट पे एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। अब रेविट में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर आप 2D मॉडलिंग, जो 2D जो आप फ्लोर प्लान बना रहे हैं वो आप अगर बहुत अच्छे से बहुत प्रिसाइजली बनाते हैं, तो उसका जो 3D आउटपुट होता है वो ऑटोमेटिकली रेविट में जनरेट होता रहता है। और वो जो 3D आउटपुट होता है वो बहुत अच्छी फॉर्म में होता है, इससे आपका टाइम भी बचता है, दूसरा आपका विजुअलाइजेशन भी फॉर्म होता है। विजुअलाइजेशन फॉर्म होने से आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है कि क्या चीज़ आपकी बनने वाली है, तो हम वो बहुत अच्छे से देख पाते हैं। उसी के साथ साथ रेविट में आपको बहुत सारे बिम के आर्किटेक्चर के जो मैंने आपको फीचर्स बताए, सारे फीचर्स है। एक तो मॉडलिंग बहुत ईजी है, मॉडलिंग के साथ साथ रेविट में अगर मैं आपको बताऊँ तो रेविट में आप काफ़ी सारे जो एडवांस फॉर्म्स होते हैं ना, वो एडवांस फॉर्म्स भी हम कर सकते हैं। बेसिकली शेड्यूल्स बनाना, आपने देखा होगा डोर शेड्यूल, वॉल शेड्यूल, विंडो शेड्यूल्स, काफ़ी सारे शेड्यूल्स बनते हैं। तो आपको जो मैंने आपको जैसे कि बताया कि आपको 2D में बहुत प्रिसाइज वर्क करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें रेविट ऑटोमेटिकली आपको जनरेट करके देगा। इट कैन बी शेड्यूल्स, इट कैन बी क्वांटिटीज, क्वांटिटी टेक ऑफ भी रेविट में आप बहुत ईजिली कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो रेविट आर्किटेक्चर में आप काफ़ी सारे रियलिस्टिक व्यूज़ भी निकाल सकते हैं, टेक्निकल ड्राइंग्स भी बना सकते हैं, सेक्शंस, एलिवेशंस, सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सपोज़ हमने यहाँ पे कुछ बनाया, अपना फ्लोर प्लान बनाया, जाके पता लगा हमें एक साइट पे कि वो जो फ्लोर प्लान हमने दिया है उसके अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस है जो साइट पे पॉसिबल नहीं हो पा रहे, तो हम क्या करेंगे, उन चेंजेस को साइट पे नोट डाउन करेंगे और यहाँ पे आके रेविट आर्किटेक्चर में देखेंगे उन चेंजेस को। अगर हम 2D प्लान में कोई भी चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने भी व्यूज़ हैं हमारे पास, इट कैन बी सेक्शंस, एलिवेशंस, जो भी चीज़ें हैं सब में वो चेंजेस आपके वहाँ पे विजिबल होंगे। मतलब आपको हर व्यू में जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू गेट दैट चेंज इन पर्टिकुलर 2D प्लान। उसके बाद रेविट आर्किटेक्चर के बाद अगर हम दूसरी फॉर्म पे आए तो दूसरी फॉर्म है रेविट स्ट्रक्चर। अब ये जो पार्ट है आपका रेविट स्ट्रक्चर का, ये आता है हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट, दैट इज कोर फॉर सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। रेविट स्ट्रक्चर इज कोर सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर। इसमें होता क्या है, जितने भी आपका रीइंफोर्समेंट का काम होता है, आपका डिजाइनिंग का काम होता है, लोड कैलकुलेशंस होते हैं, तो वो सारा पार्ट आपका रेविट स्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो रेविट स्ट्रक्चर में आप बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, इट कैन बी फुटिंग्स, इट कैन बी बीम्स, इट कैन बी कॉलम्स, और भी अलग अलग टाइप के पार्ट्स जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हम बनाते हैं उनकी प्रॉपर रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, उनकी प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं, कौन से ग्रेड का कंक्रीट इसमें यूज़ होगा, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं सारी चीज़ों का, और फिर हम रेविट स्ट्रक्चर पर बहुत ईजीली काम होता है। इसमें रेविट स्ट्रक्चर पर हमें सब कुछ दिख रहा होगा कि हम रीइंफोर्समेंट लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फुटिंग पे अगर रीइंफोर्समेंट लगा रहे हैं तो कैसे फुटिंग दिखने वाली है आफ्टर कास्टिंग
और बिफोर कास्टिंग जिसमें आपका बस रीइंफोर्समेंट दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप रेविट स्ट्रक्चर में बहुत ईजिली समझ सकते हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट आता है वो आता है रेविट MEP। MEP स्टैंड फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग जो होती है उनके प्रोफेशनल्स बिल्कुल अलग होते हैं। मैकेनिकल के प्रोफेशनल्स अलग होते हैं, प्लम्बिंग के अलग होते हैं, इलेक्ट्रिकल के प्रोफेशनल्स अलग होते हैं। होता क्या है, मैकेनिकल में जो है हमारा पूरा HVAC का काम आपने सुना होगा, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कूलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती है उसमें। उसी के साथ साथ डक्ट्स वगैरह, एयर वॉल्यूम्स वगैरह चेक करना, आपको काफ़ी सारी जो मैकेनिकल चीज़ें होती है वो सारा आपका रेविट मैकेनिकल पार्ट में होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल पार्ट आता है हमारे पास जिसमें आप कॉन्ड्यूट्स, केबल ट्रेस, वायर्स, पूरा एक इलेक्ट्रिकली जो वर्क होता है एक पूरी बिल्डिंग में, आप उसको पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको पूरा एनालाइज कर सकते हैं, उनके प्रॉपर शेड्यूल्स बनाते हैं। शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि शेड्यूल्स के अकॉर्डिंगली हमारी रिपोर्ट्स भी जनरेट होती है, और रिपोर्ट्स के साथ साथ हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती है वो भी बहुत ईजिली मेजर हो जाती है। उसी के में आपके पास एक प्लम्बिंग का भी पार्ट आता है जिसमें आप हॉट वाटर सिस्टम, कोल्ड वाटर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, सारा काम आप उसमें कर सकते हैं। बहुत ईजी मॉडलिंग होती है, आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बस आपको एक नॉलेज होनी चाहिए बेसिक कि ये सब चीज़ों के टेक्निकल नेम्स है क्या। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज प्रॉपर है तो सॉफ्टवेयर में आप बहुत ईजिली काम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उस नॉलेज के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो आपको रेविट बहुत ईजिली दे देगा नॉलेज। तो अगर मैं बात बताऊँ आपको तो MEP इज़ बेसिकली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सॉफ्टवेयर। तो इसमें आप बहुत ईजिली सारी लोड कैलकुलेशंस, पाइप प्रेशर लॉसेस, हर एक चीज़, चाहे हीटिंग और कूलिंग लोड्स हो हमारे पास, वो सारी चीज़ें हम बहुत ईजिली उसमें देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि रेविट है क्या, BIM क्या है, BIM का कंसेप्ट क्या होता है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो BIM है, BIM मैंने आपको जैसे कि बताया कि एक वेरी फर्स्ट स्टेज जो हमारी बहुत स्टार्टिंग की स्टेज है, वहाँ से लेकर एक एंडिंग स्टेज तक, बिल्डिंग बनने से पहले ही आपको हर एक एस्पेक्ट पता होगा बिल्डिंग का, हर एक चीज़ आपको पता होगी बिल्डिंग की, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे क्लैशेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हम बिल्डिंग बनने से पहले ही देख लेते हैं प्रॉपर। इसमें हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अपना कवर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कवर करना। हर एक सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंटेशन ईजिली नहीं हो सकती है, बट रेविट इज़ अ BIM सॉफ्टवेयर, तो इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ईजिली कर सकते हैं। चाहे आपको हीटिंग कूलिंग लोड्स की रिपोर्ट जनरेट करनी हो, या स्ट्रक्चरल एनालिसिस की आपको रिपोर्ट जनरेट करनी हो, बाकी आपको व्यूज़ को शीट्स पे रखना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। उसी के साथ साथ रेविट में आप पैरामेट्रिक मॉडलिंग भी करते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इंडस्ट्री में अभी तक हर जगह नहीं मिलते हैं, तो रेविट में भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो अभी तक रेविट में नहीं प्रोवाइड करे। तो उसके लिए रेविट में एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है फैमिली क्रिएशन का। अब आपको चाहे एयर डक्ट बनानी हो, चाहे आपको एयर वेंट्स बनाने हो, चाहे आपको कोई फर्नीचर बनाना हो, चाहे कोई भी कंपोनेंट बनाना हो, वो सारे कंपोनेंट्स बहुत इजीली आप रेविट में फैमिली एज अ फैमिली डिज़ाइन करके बहुत इजीली आप अपने तरह से कंपोनेंट्स बना सकते हैं और उन कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यही सब मैंने आपको आज BIM के बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है BIM। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, हमारा कॉन्टैक्ट मिलेगा, तो आप वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।